Hello friends, I Dr. Vivek Kumar Srivastava welcome all of you in the 22nd lecture of this differential equation, basically the ordinary differential equation. In the last lecture we have already discussed the Rossian and related problem, right? In this lecture I will discuss Sturm Liouville's problem, right? Ispe bhi ek question aata rehta hai या तो सेक्शन बी में सी में. देखिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा स्टर्म लिविली प्रॉब्लम है क्या, राइट? तो स्टर्म लिविली प्रॉब्लम है इस सेकेंड ऑर्डर स्टर्म लिविली प्रॉब्लम इज ए होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है और होमोजीनियस है, ध्यान दीजिएगा, होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. तो एक पर्टिकुलर टाइप का इसका केस है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. देखिए मैं आपको ऐसे चलूँ, इसमें तीन टर्म आए हुए हैं, पी क्यू आर, ध्यान दीजिए पी क्यू आर. अब यहाँ से आर से स्टार्ट करते हैं, आर एक्स वाई डैश, वाई डैश मीन्स डी वाई बाई डी एक्स का होल डबल होल डैश, राइट, सिंगल डैश यानी डबल डैश सीधे सीधे हो जाएगा ब्रेक करने पे, प्लस क्यू एक्स प्लस लेमडा पी एक्स होल ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू जीरो. ये आपका स्टर्म लिविली प्रॉब्लम है विद द फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशन. अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसमें पी क्यू आर है क्या, ये पी क्यू आर कंटिन्यूअस फंक्शन है किसमें, जिसमें बाउंड्री कंडीशंस दिया हुआ है. बाउंड्री कंडीशन दो पॉइंट पे दिया हुआ है, ए और बी पे. ध्यान दीजिएगा, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होता ही है क्या, जब एक से अधिक पॉइंट पे उसका और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू दी हुई. यहाँ पे देखिए ए पे और बी पे, अलग अलग पॉइंट पे. तो ये इसका बाउंड्री कंडीशंस क्या दिया हुआ है, अल्फा वन वाई ए प्लस अल्फा टू वाई ए. ध्यान दीजिएगा, ये वाई ए है, ये वाई डैश ए है. अल्फा वन वाई ए प्लस अल्फा टू वाई डैश ए इज इक्वल टू जीरो. इसी तरीके सेम इसी तरीके से बस कांस्टेंट चेंज होगा और पॉइंट चेंज होगा. यहाँ पे देखिए अल्फा वन अल्फा टू था, यहाँ बीटा वन बीटा टू आ गया. और दूसरे पॉइंट पे हमने यहाँ ए पे निकाला था, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, दूसरे पॉइंट पे निकाला बी पे. बी वन वाई बी प्लस बी टू वाई डैश बी इक्वल टू जीरो, राइट. अब यहां पे आ जाते हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया था पी क्यू आर एक्स है क्या, राइट. सो पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स एंड आर डैश एक्स, ध्यान दीजिएगा आर डैश एक्स इज ए इन इक्वेशन वन आर कंटिन्यूअस इन ए बी. आप ध्यान दीजिएगा ए बी पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, ए और बी जो बाउंड्री पॉइंट है ए और बी, उनसे इस सेट में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, राइट. सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड स्टर्म लिविली प्रॉब्लम. एक और चीजें यहां देखिए, पी एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए. सेकेंड, ये अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू ये नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है, राइट. सो अच्छा इस स्टर्म लिविली प्रॉब्लम से करेंगे क्या, देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें पूछता है बेसिकली आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज. आपको मैं बता दूं, इसका जो नॉन जीरो सोल्यूशन होता है इस पूरे सिस्टम का, यानी नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब वाई की वैल्यू ही निकलेगी अल्टीमेटली, उस वाई की वैल्यू अगर नॉन जीरो सोल्यूशन निकलता है इन दोनों, एक तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाउंड्री कंडीशन को जो सेटिस्फाई करे, राइट. तो इससे जो मिलेगा नॉन जीरो सोल्यूशन दैट इज कॉल्ड आइगन फंक्शन. और हर आइगन फंक्शन किसी न किसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, इस लेमडा की करस्पॉन्डिंग निकलेंगे और लेमडा को आइगन वैल्यूज बोलते हैं. जितनी भी लेमडा की वैल्यूज निकलेगी दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज. तो स्टर्म लिविली प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, सेकेंड ऑर्डर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है एक पर्टिकुलर फॉर्म. देखिए कुछ चीजें हमें लर्न करनी पड़ती हैं, हमें जो उसके प्रोडक्शन पे नहीं जाना पड़ता, हमें उसके बहुत सारे मतलब लॉजिक पे नहीं जाना पड़ता, हमें ये देखना पड़ता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, एक पर्टिकुलर टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे हम बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं जिसका एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा. और ध्यान रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप याद रखिए कि सेकेंड ऑर्डर का है, होमोजीनियस है, राइट हैंड साइड जीरो है, पी क्यू आर इसके कंटिन्यूअस फंक्शन है, आर से स्टार्ट होगा आर एक्स वाई डैश का होल डैश प्लस क्यू एक्स प्लस लेमडा पी एक्स ब्रैकेट क्लोज वाई इक्वल टू जीरो, राइट. अब यहां पे उसी चीज को मैंने थोड़ा और डिफाइन किया है. देखिए वाई जीरो
ये आप जानते हैं किसी भी सोल्यूशन का ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, ट्रिवियल सोल्यूशन, कि कोई भी अगर y इज इक्वल टू जीरो इज ऑलवेज सोल्यूशन ऑफ स्टर्म लिउविल्स प्रॉब्लम फॉर एनी लेमडा, किसी भी लेमडा के लिए y की वैल्यू जो जीरो है दैट इज का ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ स्टर्म लिउविल्स प्रॉब्लम। वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर दिस ट्रिवियल सोल्यूशन। आपसे एग्जाम में जो पूछता है वो इन सबसे आता है। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ स्टर्म लिउविल्स प्रॉब्लम गिवन बाय वन एंड टू, यही वन और टू, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन था और इसके साथ साथ बाउंड्री कंडीशन, आर कॉल्ड आइगन फंक्शन ऑफ स्टर्म लिउविल्स प्रॉब्लम एंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द सोल्यूशन एग्जिस्ट। अभी ये भी मैंने आपको बता चुका कि जो लेमडा की वैल्यू निकलेगी राइट फॉर विच द सोल्यूशन एग्जिस्ट दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज ऑफ स्टर्म लिउविल्स प्रॉब्लम। मतलब ये जो लेमडा है दैट इज आइगन वैल्यू और इसके करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन निकलेगा वाई का राइट, जो वाई की वैल्यू निकलेगी दैट इज कॉल्ड आइगन फंक्शन। तो इसमें दो चीजें हैं जो स्टर्म लिउविल्स प्रॉब्लम पे आता रहता है। फर्स्ट नॉर्मली इट इज आस्क इन द एग्जामिनेशन व्हाट इज आइगन वैल्यूज एंड व्हाट इज द आइगन फंक्शन। सो मेरे ख्याल से ये आपको फॉर्म क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्टर्म लिउविल्स प्रॉब्लम, पहला है द आइगन वैल्यूज मीन्स द वैल्यू ऑफ लेमडा ऑफ स्टर्म लिउविल्स प्रॉब्लम आर रियल एंड नॉन निगेटिव। क्या होना चाहिए, रियल होता है और नॉन निगेटिव होता है। पहले एक चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको, जैसे चार ऑप्शन दिया है और कहीं आपसे आइगन वैल्यूज पूछ लिया और उसमें कहीं अगर कॉम्प्लेक्स ऑप्शन आ गया तो कुछ लोग बैठ के इसको सॉल्व करने लगेंगे, स्टर्म लिउविल्स प्रॉब्लम क्या है इसको चलो सॉल्व करें। पहले ही देख लो आप कि रियल है कि नहीं, उसमें पता चले दो ऑप्शन कहीं कॉम्प्लेक्स का है, रूट माइनस वन के टर्म में लिखा है या आई के फॉर्म में लिखा है, तो उसको तुरंत आप क्रॉस करिए। नॉन निगेटिव, कहीं आपको अगर पॉजिटिव के अलावा कहीं निगेटिव दिया है उसको भी आप छोड़ दो राइट। तो आइगन वैल्यूज ऑफ स्टर्म लिउविल्स प्रॉब्लम आर रियल एंड नॉन निगेटिव होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए और रियल होना चाहिए। पहला चीज आइगन वैल्यूज, अगर कहीं एग्जाम में चार ऑप्शन में कोई भी अटरेंडम ऑप्शन कॉम्प्लेक्स का दे दिया या निगेटिव वैल्यू दे दिया तो आप तुरंत उसे क्रॉस करिए राइट। आते हैं सेकंड पे, आइगन वैल्यूज अगर ये कंडीशन फॉलो करता लेमडा वन इज लेस देन लेमडा टू, देखिए ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और जब इंक्रीज करेगा तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, लेमडा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। देखिए इस पे भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने देखा है सीएसआईआर नेट एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को कंसंट्रेट होके बारीकी से देखना है क्या आया हुआ है। प्रॉपर्टीज इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रॉपर्टी आपको लगता है गलत है उसको तुरंत डिस्कार्ड करिए। नॉन आपको बताया रियल नॉन निगेटिव, इस पे भी बहुत सारे आया हुआ प्रॉब्लम कि आइगन वैल्यूज लेमडा एन टेंस टू इनफाइनाइट पे, अगर आप देख लीजिए कि कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग टाइप का है, तो तुरंत आप क्या करेंगे, एन टेंस टू इनफाइनाइट लेमडा एन की वैल्यू आपको इनफाइनाइट पुट कर दीजिए, आपका तुरंत वही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए अभी मैंने सिर्फ दो प्रॉपर्टीज इस वीडियो लेक्चर में इंट्रोड्यूस किए हैं, इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखिए। अगले वीडियो लेक्चर में 23 जो वीडियो लेक्चर नंबर होगा उसमें बाकी हम कुछ और इस स्टर्म लिउविल्स प्रॉब्लम की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे, और उसके साथ साथ एक चीज और मैं बोलूंगा, जितने भी नेट सीएसआईआर के प्रॉब्लम आए हुए हैं मैं तो खुद सॉल्व करूंगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं जल्दी ही 1 से 1.5 महीने में सारी चीजें खत्म करूंगा जो भी है नेट सीएसआईआर से, चाहे रियल हो चाहे अलजेब्रा हो चाहे ओडी हो चाहे पीडी हो, उसके साथ साथ सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे राइट। लेकिन उसके साथ साथ आप खुद भी इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आए हुए हैं उन प्रॉब्लम्स को आप जरूर हैंडल करें, जरूर सॉल्व करें, क्योंकि मोटिव क्या है, मोटिव ये नहीं है कि प्रॉब्लम की हमने डिफिनीशन सिर्फ लर्न कर ली, कभी डिफिनीशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्या प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट पे होता है, आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, इन सारे टर्म को ध्यान में रखना। एक चीज और मैं फ्रेंड्स बोलूंगा, अगर मान लीजिए ये स्टर्म लिउविल्स प्रॉब्लम का कोई कोई भी ध्यान दीजिएगा, अगर रियल आंसर्स का कोई प्रॉब्लम हार्ड आ जाता तो इस बीडी का कोई प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाता है,
तो आप अगर सारे टॉपिक कवर किए हुए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो भी आप उसमें से सेक्शन सी वाले में 7, 8 या 10 प्रॉब्लम बड़े आराम से आप कर सकते हैं। 10 प्रॉब्लम की मैं गारंटी लेता हूं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगले वीडियो लेक्चर में फिर हम लेक्चर नंबर 23 में डिस्कस करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे स्टर्म लिउविल्स प्रॉब्लम के। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हम जैसे ही इन कोई नया वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे आपको तुरंत फ्रिक्वेंटली मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।